बुरे का भलाई करने वाला हाथी। एक जंगल में नदी के किनारे एक बड़ा सा पेड़ था। उस पेड़ के नीचे ही एक हाथी रहता था। वह हाथी बहुत ही अच्छा था। वह हर रोज सुबह ही खाने के लिए बाहर घूमता, फिर ऐसे लाए हुए खाने को थोड़ा खाकर और थोड़ा बाकी के जानवरों को या पक्षियों को देता। ऐसे ही किसी के भी कोई कष्ट होने पर उससे जितना हो सके उतनी मदद करके उन्हें सहारा देता। इसीलिए जंगल के सारे जानवर और पक्षी उस हाथी के साथ दोस्ती करते थे। पेड़ के नीचे हाथी रहता तो उसी पेड़ पे एक बंदर रहता था। वह बंदर बहुत ही शरारती था, ऊपर से स्वार्थी भी था। किसी की खुशी उसे बर्दाश्त नहीं होता था। उस जंगल के सारे जानवरों से प्रशंसित होने वाले हाथी को देख वह सहन नहीं कर पाया। उसे हमेशा परेशान करता था। एक दिन उस हाथी को बहुत भूख लगा। जंगल में घूम कर आखिर में एक केले के गन्ने दिखे। उन्हें धीरे से खाने के लिए उसके रहने वाले पेड़ के नीचे लाकर रख लिया। प्यास लगने के कारण पहले पानी पीने के लिए नदी के पास गया। इतने में पेड़ के ऊपर रहने वाला बंदर नीचे के केलों को देख, हाँ हाँ मेरे मनपसंद केले, हाथी के पानी पी के आने तक मैं कहाँ जाऊंगा, बोलकर तेजी से पेड़ उतर के खाने लगा। वह हाथी को आता देख बाकी के केलों को नदी में फेंक दिया और बंदर पेड़ चढ़ के बैठ गया, जैसे उसे कुछ पता ही ना हो। फिर वहाँ आई हुई हाथी अपनी खाना गायब होता देख पहले से ही भूखा होने के कारण बहुत उदास हुआ। वह काम किसका है करके जानते हुए भी झगड़ना क्यों करके चुप रह गया। फिर एक दिन पेड़ से उधर इधर उछलते हुए शरारत करने वाला बंदर फिसलकर ऐसे ही नीचे गिर पड़ा। गिरते ही उसके हड्डी टूट गए। ना उठ पाता हुआ बचाओ बचाओ करके जोर से चिल्लाने लगा। बंदर की चीख सुनकर कौवा हिरन उधर आने पर भी सिर्फ देखे और उसके बारे में जानते हुए अच्छा हुआ बोलकर अच्छे से हंसकर चले गए। शाम को उधर लौट के आने वाले हाथी को रोता हुआ बंदर दिखा। एक क्षण में ना सोचते हुए, तुम्हें कुछ नहीं होगा, घबराओ मत दोस्त, बोलते हुए उस बंदर को अपने पीठ पर बिठाकर बहुत ही दूर रहने वाले चिकित्सक बालू के पास ले गया। समय रहते ही इलाज होने पर बंदर जल्द ही ठीक हो गया। अगले दिन हाथी से, समय पर भगवान की तरह आकर मेरे प्राण बचाए, लेकिन मैंने तो तुम्हें कई तरह के परेशानियां दी, मुझे माफ कर दो, बोलते हुए बंदर ने क्षमा याचना की। उसके बाद व्यवहार बदलने वाला बंदर हाथी के साथ बाकी के जानवर भी अच्छे से रहने लगे। इस कहानी की नीति है कि हमेशा सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। मेंढक और हाथी की कहानी। एक बार एक जंगल में एक तालाब था, उसमें बहुत सारे मेंढक रहा करते थे। उनमें से एक मेंढक हमेशा अपनी बड़ाई करते रहता था। उस तालाब के किनारे पर एक आम का पेड़ था। उस पेड़ पर बहुत सारे आम लगे हुए थे। वो घमंडी मेंढक हमेशा उस पेड़ के आगे उछल उछल कर आम तोड़ने की कोशिश करता रहता था और हर बार असफल हो जाता था। उसकी ये कोशिश को देखकर सारे मेंढक उस पर हंसते थे। उस तालाब में अपनी प्यास बुझाने के लिए हर रोज एक हाथी भी आया करता था। वो हर रोज मेंढक को देखता था। एक दिन उसे उस मेंढक पर दया आ गई और वो उससे पूछने लगा, मेंढक दोस्त, तुम हर रोज ऊपर लगे आमों को तोड़ने की कोशिश क्यों करते हो? नीचे भी तो इतने सारे आम हैं, इनमें से एक खा लो। मेंढक ने जवाब दिया, एक बार मैंने नीचे गिरा हुआ आम खाया था, वो बहुत मीठा था। सोचो, नीचे गिरा हुआ आम अगर इतना मीठा होता है तो पेड़ पर लगा आम कितना मीठा होगा। मैं पेड़ पर चढ़ नहीं सकता, इसीलिए
हर रोज यहाँ उछलकर इसे तोड़ने की कोशिश करता हूँ। मेंढक की बातें सुनकर हाथी को उस पर दया आ गई। उसने मेंढक की मदद की और हर डाल से एक आम तोड़कर उसने दे दिया। मेंढक को अब इतने सारे पेड़ पे लगे आम मिल गए थे, इसीलिए उसकी खुशी की कोई हद नहीं थी। उस दिन से वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए। जब हाथी उस तालाब पर आता, वो आम तोड़कर मेंढक को दे देता। तालाब के दूसरे मेंढक हाथी से दोस्ती करने के लिए उसे बहुत विशेष मानने लगे थे। मेंढक बहुत गर्व महसूस करने लगा था। एक दिन हाथी को तालाब पर आने में थोड़ी देर हो गई। वो मेंढक गुस्से में यहाँ वहाँ कूदने लगा और कहने लगा, इस हाथी को तो कुछ अकल ही नहीं है। सिर्फ बड़ा शरीर रहने से कुछ नहीं होता, अकल भी होना जरूरी है। मैं इतने समय से उसका इंतजार कर रहा हूँ और ये अभी तक नहीं आया। तभी वहाँ हाथी आ पहुँचा और उसने मेंढक की बातें सुन ली। उसे बहुत बुरा लगा। हाथी को आते देख मेंढक उस पर और गुस्सा होने लगा और कहा, जल्दी इधर आओ, इतनी देर से कहाँ रह गए थे तुम? आओ यहाँ और मुझे आम तोड़ कर दो। मेंढक की बातों को सुनकर हाथी को सब समझ आ गया था और वो कहने लगा, तुम अपनी हद में रहो, मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूँ। मेरी मर्जी, मैं कभी भी आऊंगा, तुम्हें क्या? वैसे भी मेरी ही गलती है, पैर की धूल को कोई सर पर नहीं बिठाता। मैंने तुमसे दोस्ती करके गलती कर ली। इतने छोटे मेंढक पर गुस्सा करना बेकार है सोचकर वो वहाँ से चुपचाप चला गया। सब मेंढकों ने उसका मजाक उड़ाया। ओ बेवकूफ मेंढक, तुम उस हाथी पर गुस्सा हो रहे थे। अगर वो तुम्हें एक पैर के नीचे दबा देता तो तुम्हारी चटनी बन जाती। वो तुम्हें हर रोज ताजे आम तोड़ कर देता था, ये उसकी अच्छाई थी। लेकिन तुम्हें बस अपना घमंड दिखाना था, तुम्हें उसकी अच्छाई नजर ही नहीं आई। उन्होंने उस मेंढक को अपनी गलती का एहसास दिलाया, लेकिन देर से एहसास करने का क्या फायदा? उसने अपने ही हाथों से अपने एक अच्छे मित्र को खो दिया था। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, कभी भी अपने आप को बड़ा नहीं समझना चाहिए। खरगोश को बचाया कबूतरों ने। एक जंगल में एक खरगोश का बच्चा रहा करता था। वो बहुत अच्छा था और वो हर किसी की मदद किया करता था। वो कभी किसी का बुरा नहीं चाहता था। एक बार की बात है, एक बकरा उसके जंगल में बीमार हो गया था, जिस वजह से वो अपना भोजन खुद ढूंढ नहीं पा रहा था। तब वो खरगोश का बच्चा उस बकरे के पास आया और कहने लगा, दोस्त तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारे लिए भोजन लेके आता हूँ। वो अपने छोटे छोटे हाथों से घास लेकर आया और बकरे को दे दी और कहा, जब तक तुम ठीक नहीं हो जाते मैं ही तुम्हारा भोजन यहाँ ला कर दूंगा, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसी तरह कुछ दिन गुजर गए और उसने एक दिन देखा कि एक गधे के पैर में कांटा चुभ गया था। उसे देखकर खरगोश ने कहा, दोस्त तुम मुझ पर भरोसा करो, मैं धीरे से तुम्हारे पैर का कांटा निकाल दूंगा। उसने धीरे से अपने दांतों से उस कांटे को खींचकर निकाल डाला और वो गधा आराम से चलने लगा। कुछ दिन बाद उसने एक कव्वे को जमीन पर जख्मी पड़ा हुआ देखा। वो जल्द वहाँ से गया और एक आयुर्वेदिक पत्ता ले आया। वो उसे उसके जख्म पर मरने लगा। वो कुछ दिन तक उसकी खिदमत कर रहा था। कुछ दिन बाद वो ठीक हो गया तो खरगोश ने उससे कहा, अब तुम बिल्कुल ठीक हो और आराम से उड़ सकते हो। ऐसे ही वो हर बार किसी न किसी की मदद करते रहता था। एक दिन दो शिकारी जंगली कुत्ते उसके पीछे पड़ गए। वो उनसे अपनी जान बचाकर भागने लगा। तब उसे रास्ते में वो बीमार बकरा मिला। तब उसने उससे कहा, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ, मुझे बचा लो ना मेरे दोस्त। नहीं, मुझे काम है, बाद में आना। वो निराश होकर वहाँ से भागने लगा और उसे अब रास्ते में वो गधा नजर आया। दोस्त,
मेरे पीछे जंगली कुत्ते पड़े हैं, मुझे उनसे बचा लो ना। नहीं नहीं, मुझे अभी बहुत ज्यादा काम करना है, जाओ यहाँ से। एक पत्थर पर कौवा बैठकर उसे देख रहा था। उस खरगोश को अपनी ओर आते हुए देखकर कौवे ने कहा, बाप रे, ये तो मेरी तरफ ही आ रहा है। वो डर कर तुरंत हवा में उड़ गया। बेचारा खरगोश, उसने हर किसी की मदद की, किसी ने भी उसके मुश्किल समय में उसकी मदद नहीं की। तभी आकाश में दो कबूतर उड़ रहे थे। उन्होंने खरगोश को देखा और बिना समय गंवाए अपना घोंसला उठाकर खरगोश के पास आए और कहा कि जल्दी से उस घोंसले में बैठ जाओ। जैसे ही वो उस घोंसले में बैठ गया, वो दोनों उसे लेकर उड़ गए और कुछ देर बाद एक सुरक्षित जगह पर उसे उतार दिया। खरगोश ने उसकी जान बचाने के लिए उन दोनों को धन्यवाद कहा। खरगोश को एक बहुत अच्छा सबक सीखने मिला कि हमेशा दूसरों की मदद ही नहीं करनी चाहिए, पर ये भी देखना चाहिए कि कौन अपना बुरे समय में अपना साथ देता है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जो दोस्त हमारी मुश्किल में हमारी सहायता ना करे, वो कभी हमारा दोस्त था ही नहीं।